अगर आपने राशि रेसिपीज चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन को ज़रूर से क्लिक करें। मेरे रेसिपीज़ पर अपने अनुभव ज़रूर से शेयर करें। आज हम बनाएंगे बाजरे की खिचड़ी, जो ज़्यादातर सर्दियों में खाई जाती है, जो हमारे शरीर को ताकत देती है और गर्माहट देती है। तो आइए देखते हैं इसको बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए और इसे कैसे बनाते हैं। बाजरे की खिचड़ी बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप बाजरा, 1/3 कप मोठ की दाल और 2 छोटी चम्मच नमक और पानी। सबसे पहले हम बाजरे के ऊपर जो छिलका या फूस होता है उसको साफ करने के लिए हम इसमें 2 टेबलस्पून गर्म पानी छिड़क देंगे। ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, सिर्फ इतना ही पानी डालेंगे जिससे कि ऊपर का पतला सा छिलका या फूस फूल जाए और हम बाजरे को साफ कर पाएँ। तो अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि सब जगह एक पानी की हल्की सी कोटिंग हो जाए। फिर हम बाजरे को लगभग 1/2 घंटे के लिए ढक के रख देंगे और ये जो मोठ की दाल है इसको धो के साफ कर देंगे। 1/2 घंटा हो गया है, अब हम बाजरा एक बार चेक कर लेते हैं। बाजरा बिल्कुल सही हो गया है, ये फूल गया है इसके ऊपर का छिलका, बाजरे ने पानी पूरा सोख लिया है। तो बाजरे को हम 2 से 3 बार में थोड़ा थोड़ा डाल करके पीस लेंगे। तो एक बार में हम इतना ही बाजरा डालेंगे और इसे सिर्फ थोड़ी देर ही चलाएंगे। जस्ट 2 बार ही चलाया मैंने और ये देखिए छिलका कैसे अपने आप ऊपर आ गया है। तो अब बचा हुआ बाजरा भी हम थोड़ा थोड़ा करके डाल देंगे। इसको हम परात में निकाल देते हैं और बचा हुआ बाजरा भी इसमें डाल देते हैं और इसको भी हम ऐसे ही मिक्सी में थोड़ी देर के लिए चलाएंगे। अब हमने सारा बाजरा परात में निकाल दिया है जो मिक्सी में हमने करा था और इसको हम अच्छी तरह से मसल लेंगे ताकि जो छिलका है वो अलग हो जाए और अच्छी तरह से पटक कर साफ कर लेंगे। ये देखिए सारा छिलका आ गया है ऊपर, इस कचरे को निकाल देंगे और दोबारा से इसको अच्छी तरह से फटकेंगे और इसे जब तक फटकेंगे तब तक कचरा नहीं निकल जाता सारा। और ये देखिए बाजरा एकदम साफ हो चुका है। अब हम इसे खिचड़ी बनाने के लिए इसको मिक्सी में और पीसेंगे ताकि थोड़ा सा बारीक हो जाए। ये अभी ये बहुत मोटा बाजरा है तो मिक्सी में पीसने के बाद ये थोड़ा सा दरदरा पीस लेंगे इसे हम। मिक्सी में हमने पीस लिया है और इस तरह से पीस के हम तैयार कर देंगे। ये सारा बाजरा हमने पीस के तैयार कर लिया है। अब खिचड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस पे कुकर चढ़ा करके 2 कप बाजरा के लिए हम लगभग 12 कप पानी डालेंगे। और जैसे ही पानी में अच्छे से उबाल आने लगे तो इसमें हमने जो बाजरा पीसा था वो हम धीरे धीरे इस उबलते पानी में डालते जाएंगे। एक हाथ से बाजरा डालेंगे और एक हाथ से हम इसे कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। एक साथ बाजरा नहीं डालेंगे नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे और लगातार इसे हिलाते रहेंगे। मोठ की दाल जो हमने धो के तैयार की थी वो हम डाल देंगे और इसमें डाल देंगे नमक, अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे और अच्छी तरह से उबाल आने के बाद कुकर का ढक्कन लगा देंगे और लगभग 6 से 7 सीटी आने तक इसको पकाएंगे। 6 सीटी लग गई है और एक बार इसको खोल के चेक करते हैं। बहुत अच्छा खीच बन के तैयार हुआ है। खीच बहुत अच्छे से घुट गया है, बहुत अच्छे से पक गया है। ये देखिए खीच को हम दही के साथ, मंगोड़ी की सब्जी के साथ, दूध के साथ, अपनी पसंद की कोई भी सब्जी के साथ खा सकते हैं। और अब हम इसको बोल में सर्व कर लेते हैं। गर्मा गर्म खीच बनके तैयार है। खीच बहुत अच्छा बना है। इस रेसिपी को आप ज़रूर से ट्राई करें और अपने अनुभव राशि रेसिपीज चैनल पर ज़रूर से शेयर करें। खीच बहुत ही टेस्टी बना है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो राशि रेसिपीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन बटन ज़रूर से दबाएं।